आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक LG का मॉनिटर परचेज किया था जिसका मॉडल नंबर है 27GL650F। अब जैसा कि इसका मॉडल नंबर सजेस्ट करता है कि एक 27 इंच का मॉनिटर है और फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है। और इस मॉनिटर की अगर मैं खासियत की बात करूं तो इस मॉनिटर की जो कलर एक्यूरेसी है, जो कलर रिप्रोडक्शन है, बहुत ही अच्छा है। IPS डिस्प्ले है तो कलर एक्यूरेसी तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इस चीज़ को देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ये मेरे दिमाग में आया बेसिकली कि क्या मैं इस मॉनिटर को एज ए स्मार्ट TV यूज़ कर सकता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो कुछ बेसिक चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने देखा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉनिटर्स के साथ प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम एक मॉनिटर को एज ए स्मार्ट TV या फिर एज ए TV यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ों में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। पर इन प्रॉब्लम्स को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ऐसा करना पॉसिबल है, एक मॉनिटर को एक स्मार्ट TV में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं एक मॉनिटर के साथ कि वो एक स्मार्ट TV में कन्वर्ट हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमजीत, आप देख रहे हैं कि सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारे मॉनिटर में अवेलेबल होना चाहिए, वो है एक HDMI पोर्ट। अगर आपके मॉनिटर में HDMI पोर्ट नहीं है तो यहाँ पे, अगर आपके मॉनिटर में VGA पोर्ट है तो ऐसा कन्वर्टर आता है जो बेसिकली HDMI टू VGA कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर को आपको यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आपको HDMI फीमेल टू फीमेल एक्सटेंडर को भी यूज़ करना पड़ेगा अपने Amazon Fire TV स्टिक को इस कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ आपके मॉनिटर में जो रेजोल्यूशन है वो 1080p एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर 1080p नहीं है तो प्रोबेबली कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉब्लम्स होंगे ही, पर यहाँ पे मैंने जितना टेस्ट किया है मेरे एक 720p मॉनिटर के साथ, उसमें इनपुट सिग्नल आउट ऑफ रेंज कह के एक मैसेज दिखा रहा था। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर अगर आपके पास 1080p का मॉनिटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है एक साउंड सिस्टम, क्योंकि मेजोरिटी जो मॉनिटर्स होते हैं उसमें इनबिल्ट स्पीकर नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो भी कंटेंट आप अपने मॉनिटर में देखने वाले हो स्मार्ट TV में कन्वर्ट करने के बाद, उसका साउंड आप इन साउंड सिस्टम के साथ सुन सको। यहाँ पे जो साउंड सिस्टम आप चूज़ करोगे उसमें अगर ब्लूटूथ की सपोर्ट है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर ब्लूटूथ की सपोर्ट नहीं है तो आपके मॉनिटर में ऑडियो आउट की ऑप्शन होनी चाहिए, ऑडियो आउट की एक पोर्ट होनी चाहिए। जैसे कि मेरे मॉनिटर के केस में है ऑडियो आउट की पोर्ट यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे जो साउंड सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ उसमें भी ब्लूटूथ की सपोर्ट है, तो मुझे दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके मॉनिटर में ऑडियो आउट की पोर्ट नहीं है तो आप जो साउंड सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसमें एटलीस्ट ब्लूटूथ की सपोर्ट होनी ही चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आपके मॉनिटर में ऑडियो आउट की पोर्ट है तो आप ऑक्स केबल की हेल्प से अपने साउंड सिस्टम के ऊपर ऑडियो पा सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो Amazon Fire TV स्टिक। जी हाँ, यहाँ पे Amazon Fire TV स्टिक की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं कनेक्शन की, कि कैसे आप सारी चीज़ें कनेक्ट करोगे। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास जो मॉनिटर है इसमें दो HDMI पोर्ट हैं, HDMI 1 और HDMI 2। तो मैं यहाँ पे अपने Fire TV स्टिक को HDMI 2 में प्लग इन करने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पे पावर कॉर्ड को भी ऐड कर लेता हूँ, जो कि एक माइक्रो USB केबल है जो कि Amazon Fire TV स्टिक के साथ ही आता है। तो इस केबल को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, और 5 वोल्ट 1 एम्पेयर की जो अडेप्टर है जो इसी स्टिक के साथ, जो इसी Fire TV स्टिक के साथ आ रखा था, उसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और बस मेरा यहाँ पे सेटअप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो हार्डवेयर सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे साउंड अभी मैंने यहाँ पे सेटअप नहीं किया है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देख के आपको क्या लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, सेटअप करना बहुत ही आसान है? जी हाँ, सेटअप करना आसान है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे आपको अभी बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, Fire TV स्टिक की जो रिमोट आती है इसमें जो पावर बटन है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप एक मॉनिटर यूज़ कर रहे हो, आप एक TV यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो वॉल्यूम रॉकर्स है वो भी यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की जो बटन्स है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। इसके अलावा Fire TV स्टिक की जो रिमोट है इसमें बाकी के जो फीचर्स है वो इजीली वर्क करेगा, उसी के साथ जो Fire TV स्टिक है इसमें भी जो फीचर्स है वो इजीली यहाँ पे वर्क कर जाएगा और कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली Fire TV स्टिक एक एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है, तो इसमें आप मनचाहे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लाइव TV देखना चाहते हो, बिल्कुल अगर लाइव आपको TV देखना है इसमें, तो आप JioTV या फिर Thought TV जैसे जो एप्लीकेशन है इनका आप यूज़ कर सकते हो। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे
स्पेसिफिकेशन है उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। बस अब आपका स्मार्ट टीवी हो चुका है रेडी। इसमें जिस चीज़ की कमी है वो है साउंड की। अब यहाँ पे साउंड सिस्टम अगर आपको ऐड करना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप या तो ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपके मॉनिटर में किसी तरह का ऑडियो आउट की पोर्ट है तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लूटूथ यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वही मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। यहाँ पे मेरे पास जो साउंड सिस्टम है इसमें कोई इनबिल्ट ब्लूटूथ की तो ऑप्शन नहीं है, पर मैं यहाँ पे इस तरह का एक ब्लूटूथ रिसीवर यूज़ करने वाला हूँ जिससे यहाँ पे मेरे इस साउंड सिस्टम के ऊपर ब्लूटूथ की फीचर आ जाएगी। बस और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस ब्लूटूथ रिसीवर को मुझे अपने फायर टीवी स्टिक के साथ यहाँ पे सेटअप कर लेनी है। तो फायर टीवी स्टिक में अगर आपको कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करना है तो इसको सेटअप करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली जाइए सेटिंग्स में, उसके बाद जाइए रिमोट एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस में, उसके बाद कीजिए अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस, देन सिलेक्ट कीजिए अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस को, देन सिलेक्ट कीजिए ऐड ब्लूटूथ डिवाइसेस। अब अगर आपका म्यूज़िक सिस्टम ऑन है, उसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट है और वो कोई और दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पे शो करेगा। अब सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करके पेयर कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक वार्निंग दिखेगी, इसमें आपको सिंपली करना है ओके बस। ऑल्दो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स वर्क नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे अगर वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो आपको अपने जो साउंड सिस्टम है वहाँ से ही वॉल्यूम कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आपके साउंड सिस्टम में रिमोट की फैसिलिटी है तो ठीक है, पर अगर रिमोट की फैसिलिटी नहीं है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप ऐसा जुगाड़ लगाओगे क्यों, इसके पीछे अलग अलग लोगों का यहाँ पे अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। यहाँ पे मैं जो चीज़ सोचता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो बेसिकली मॉनिटर्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते में अवेलेबल होते हैं, इसका जो कलर एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छा कलर एक्यूरेसी देखने को मिल जाता है। जैसे कि LG का जो 22MP68 VQ जो ये मॉडल है ये करीब करीब 10,000 रुपये के अंदर ही आता है, तो इस मॉनिटर की जो कलर एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा है, कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर है, इसमें आप जो भी कंटेंट देखोगे वो आपको देखने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। यहाँ पे 10,000 रुपये के अंदर एक अच्छा खासा टीवी मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें कलर एक्यूरेसी अच्छा है, जिसमें कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है, व्यूइंग एंगल अच्छा है, इतना सब कुछ मिलना 10,000 रुपये के अंदर एक टीवी में काफ़ी मुश्किल होती है, पर एक मॉनिटर में आराम से मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप ये जो जुगाड़ लगाना चाहते हो तो आप इस मॉनिटर को ज़रूर एक बार देख सकते हो। इस मॉनिटर के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास फायर टीवी स्टिक नहीं है तो यहाँ पे मी टीवी बॉक्स या फिर मी टीवी स्टिक या फिर जो ऐसे एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, आराम से वर्क कर जाएगा। अगर आपके मॉनिटर में HDMI पोर्ट है तो ईजिली वर्क कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो ऑडियो सेटअप है वो भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लास्टली मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा टीवी है तो आपको ऐसे जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए। बेसिकली जो ये एक्सपेंसिव टेलीविजन होते हैं या फिर मिड रेंज से ऊपर या फिर मिड रेंज में जो टेलीविजन अवेलेबल होती हैं, यहाँ पे जो इनका डिस्प्ले है इसको ऐसे ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि जो भी कंटेंट आप इसमें देखो वो थोड़ा सा सिनेमेटिक लगे। यहाँ पे कलर एक्यूरेसी क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मॉनिटर्स के साथ ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। मॉनिटर्स में सिनेमेटिक लुक इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसमें कलर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ था जो मैंने आपको मॉनिटर और टीवी के बीच में डिफरेंस के ऊपर थोड़ा सा बताया। यहाँ पे इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने पहले ही बात किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है टीवी वर्सेस मॉनिटर आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया होगा। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप इसको सक्सेसफुली कर लोगे, और सक्सेसफुली करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका यहाँ पे सेटअप ठीक से वर्क कर रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर टैप कर दीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।